Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, professor in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. What is the reason that magnesium increases the grain yield? And magnesium application is important for increasing this uh, grain yield. If we are not applying the magnesium and magnesium is deficient in soil, definitely there is a reduction in yield. And generally, we ignore this magnesium and we apply only nitrogenous phosphatic or potassic fertilizer but this magnesium is also very important in general soil has sufficient magnesium to fulfill the crop requirement if there is a deficiency of magnesium definitely there is a reduction in yield so how uh, this magnesium affect the grain yield i'll explain this role of magnesium ऑन द ईल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कैसे मैग्नीशियम ग्रीन ईल्ड को बढ़ाता है ये जानना बहुत जरूरी है इसलिए हमको मैग्नीशियम को देखना चाहिए कि सॉयल में डिफिशियंट तो नहीं है या प्लांट में डिफिशेंट तो नहीं है अगर डिफिशियंट है देन वी शुड सप्लाई दिस मैग्नीशियम सो हाउ दिस मैग्नीशियम अफेक्ट द ग्रीन ईल्ड तो ये हमको समझना पड़ेगा जो ग्रीन ईल्ड है जो ये दिस ग्रीन ईल्ड इज ऑप्टेंड बाई द a process of uh, photosynthesis where photosynthetes are formed and these photosynthetes are formed in leaves and leaves transport this uh, uh, photosynthesis, whatever sucrose glucose whatever into grain so this is the actually the grain yield so it means so what is the photosynthesis process how much photosynthetes are formed in the leaf

ग्रेन्स के अंदर फोटो का प्रोसेस नहीं होता ग्रेने में तो एकोमलेट होता है तो जो फोटो बन रहे हैं उनका ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर वन फोटो इज इंपॉर्टेंट एंड नंबर टू दिस ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो सिंथेट्स टू ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है देन ग्रेन विल नॉट इंक्रीज सो टू प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैग्नीशियम अफेक्ट बोथ द प्रोसेस फोटो एज वेल एज दिस ट्रांसलोकेशन आई विल एक्सप्लेन द हाउ दिस फोटोसिंथिस अफेक्टेड सो एक्चुअली द मैग्नीशियम इज अ पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूंट ऑफ क्लोरोफिल तो बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बनता है तो so, जो मैग्नीशियम है ये पार्ट है इस क्लोरोफिल का एंड पोर फायर इन स्ट्रक्चर इज दियर एंड देन इन मैग्नीशियम फोर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर अटैच्ड सो नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम बोथ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड दैट्स सॉरी दिस इज द रीजन दैट इन मैग्नीशियम डिफिशियंसी एंड नाइट्रोजन डिफिशियंसी देर इस लॉस ऑफ क्लोरोफिल तो मैगनीशियम इंपॉर्टेंट पार्ट है बिना मैग्नीशियम क्लोरोफिल नहीं बनेगा बिना नाइट्रोजन के नहीं बनेगा और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा लॉस हो जाएगा उसी को हम क्लोरोसिस कहते हैं नाइट्रोजन के केस में भी यही होता है कि जब नाइट्रोजन की डिफिशेंसी होती है तो क्लोरोफिल नहीं बनता उसी को हम क्लोरोसिस कहते हैं योलोइंग होती है तो फर्स्ट इज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल हम जानते हैं बिना क्लोरोफिल के फोटोसिसिस नहीं होता है सेकेंड इज दैट दिस मैग्नीशियम हेल्प इन प्रोटीन्स ऑफ क्लोरो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही uh, uh, जो फोटोसिसिस होता है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट क्लोरोप्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड मैग्नीशियम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन हाउ एक्चुअली मैग्नीशियम हेल्प इन द एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम राइबोसोम की जो यूनिट्स होती हैं राइबोसोम सब यूनिट एग्रीगेशन में हेल्प करता है एंड प्रोटीन सिंथिस अकर ऑन दिस राइबोसोम सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व इन एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम और इसी राइबोसोम पे प्रोटीन uh, होती है तो अगर मैग्नीशियम डिफिशेंट होगा तो राइबोसोम की यूनिट्स आपस में नहीं जुड़ेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा सेकंड इज दैट दिस मैग्नीशियम ये तो मैंने आपको बताया पहले प्रोटीन कैसे कर रहा है एंड सेकेंड इज दैट मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ आर एन ए पॉलीमिरेज एनजाइम तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम आर एन ए पॉलीमेरेज दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटो सो दिस आर एन ए पॉलीमिरेज एंड दिस राइबोसोम सब यूनिट एग्रीगेशन Uh, is responsible for protein formation and these protein make this chloroplast uh, uh, structure and uh, help in function so if there is a magnesium deficiency then this chloroplast structure size and functions are affected so that's why फोटोसिंथिस uh, अफेक्टेड तो अब हमने देखा दो तरीके से मैग्नीशियम अफेक्ट कर रहा है नंबर वन इन इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिन नंबर टू फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन बिना प्रोटीन के क्लोरोप्लास्ट में फंक्शन नहीं होंगे और जिन प्रोटीन को तो बनाने में मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है दो तो तरीके से एक राइबोसोम को जोड़ रहा है और दूसरा आर एन ए पोमेरियज की एक्टिविटी बढ़ा रहा है और आर एन के ट्रांसलेशन से ही प्रोटीन बनती है तो दिस आर एन ए पोलीमेर इज इंपॉर्टेंट फॉर आर एन ए फॉर्मेशन एंड देन फर्दर ट्रांसलेशन इन टू प्रोटीन एंड थर्ड फैक्टर इन इज दैट This uh, magnesium is required for the activity of uh, RuBP carboxylase uh, and PEP carboxylase activity, and this RuBP carboxylase is required for C3 plant, and PEP carboxylase enzyme is required in a C4 plant. So this enzyme help in CO2 fixation. CO2 fixation. So in this way, magnesium help uh, in photosynthesis process. Number one, chlorophyll. Number two, this. Uh,

नंबर वन दिस फोटोसिंथेट्स मस्ट बी प्रजेंट इन फ्लोएम एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ग्रोइंग तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोएम लोडिंग तो फ्लोएम लोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोएम लोडिंग ऑफ वी कैन से कार्बोहाइड्रेट जिसको मैं सी एच ओ लिख रहा हूँ दिस कार्बोहाइड्रेट और मे बी शुक्रोज एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ए टी पी तो so, जो सुक्रोज बने हैं या जो फ्रोस बने हैं वो क्लोरोप्लास्ट से निकल साइटोप्लाज में आएंगे फिर वो फ्लोएम में जाएंगे और फ्लोएम से फिर ट्रांसलोकेट होकर कहाँ जाएंगे ग्रेन्स में जाएंगे तो so, इस प्रोसेस के लिए इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड दिस मैग्नीशियम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए टी पी तो जो ए टी पी का जो प्रोडक्शन है इन द फॉर्म ऑफ जिस ए डी पी प्लस पी आई मेक दिस ए टी पी दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ए टी पी सिंथेज एनजाइम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ तो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर ए टी पे सिंथेज एनजाइम तो एक तो ये ए टी पी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा सेकेंड देन ए टी पी इज हाइड्रोलाइज इन द इन ए टी पी प्लस पी आई प्लस एनर्जी तो ये यह एनर्जी यहाँ जब आती है दिस एनर्जी हेल्प इन फ्लैम लोडिंग एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड ए टी पी एज एनजाइम तो ये मैग्नीशियम इन दो एनजाइम को हेल्प करता है सो दीज टू एनजाइम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी एंड हाइड्रोलोसिज ऑफ ए टी पी इफ दर इज अ मैगनीशियम डिफिशेंसी uh, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी दिन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो अगर एक्टिविटी कम होगी तो इस ए का प्रोडक्शन कम होगा और जो ए जो बना है उससे एनर्जी भी कम निकलेगी तो फ्लेम लोडिंग नहीं होगी या बहुत कम होगी इस कारण से क्या होगा जब फोटो सिंडर्स कहाँ रहेंगे लीफ में रहेंगे ग्रीन में नहीं आएंगे तो देर में भी कंडीशन दैट लीव्स आर गुड ग्रीन

ग्रेन तक पहुंचना ये बहुत जरूरी है तो ये इसको बोलते हैं हम फ्लोएम लोडिंग इसके लिए बहुत जरूरी है एंड सेकेंड इज दैट जो क्लोरोप्लास्ट में जो बना कार्बोहाइड्रेट वो थोड़ा क्लोरोप्लास्ट में रहता है और वो साइटोप्लाज्म में आता है ट्राइज फॉसफिट फॉर्म में तो इसको जो लाता है वो जो एंजाइम है दैट इज फ्रक्टोज वन सिक्स एंजाइम फ्रक्टोज वन सिक्स बिज फिट इज एनजाइम एंड दिस एंजाइम रिक्वायर मैगनीशियम सो मैग्नीशियम इज रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम फ्रक्टोज इज एंड दिस एंजाइम रेगुलेट द एसिमुलेट पार्टिशनिंग बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड द साइटोप्लाज्म तो ये एंजाइम रेगुलेट करता है कि कितना क्लोरोप्लास्ट में फोटोसेंटेट रहेगा और कितना साइटोप्लाज्म जाएगा इफ दर इज अ डिफिशेंसी ऑफ मैग्नीशियम तो इसका मैग्नीशियम डिफिशेंसी रहेगी तो ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो ट्रायल्स फॉसफेट जो बने हैं चाहे वो फॉ गिसल बना हो चाहे डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी सिटोन फास्फेट बना हो जो ट्रायल फॉस्फेट हैं वो क्लोरोप्लास्ट में रहेंगे साइटोप्लाज्म में नहीं आएंगे जब साइटोप्लाज्म में नहीं आएंगे तो उनकी आ, फ्लेम में पहुंचेंगे नहीं और लोडिंग नहीं होगी तो वो ग्रीन में पहुंचेंगे ही नहीं तो इस कारण से मैग्नीशियम जो है ट्रांसलोकेशन को अफेक्ट करता है तो मैग्नीशियम अफेक्ट टू प्रोसेस नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोसिंथेट्स दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ये मैंने आपको बताया नंबर वन एंड दिस फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड दिस ट्रांसलोकेशन और फोटोसिंथेसिस भी तीन तरीके से करता है क्लोरोफिल फॉर्मेशन से प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट uh, के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए और इन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एंड दिस ट्रांसलोकेशन इज अफेक्टेड बाय टू प्रोसेस ये दो प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है नंबर वन इट हेल्प इन फ्लोएम लोडिंग बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी फ्लोएम लोडिंग जो होती है लोडिंग होगी फिर अनलोडिंग होगी उसमें एनर्जी चाहिए तो ये फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स ए प्रोडक्शन और हाइड्रोलिसिस के लिए मैग्नीशियम चाहिए तो ये इसको अफेक्ट करता है सेकेंड मैंने बताया कि जो क्लोरो से जो निकलेगा जो बनेगा फूड सेंथर्ट्स बनेंगे या जो शुक्रोस बनेगा जो फ्लोएम में आएंगे तो उसको जो रेगुलेट करता है वो फ्रक्टोज वन सिक्स बिस् फास्वटिंग एंजाइम करता है और मैग्नीशियम की डिफिशेंसी होगी तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो जो फूड फोडोसेंथर्ट्स बना है लीफ में ही रहेंगे क्लोरोप्लास्ट में ही रहेंगे वो फर्दर ट्रांसफर्केट नहीं होंगे सो इन दिस वे मैग्नीशियम अफेक्ट द ग्रेन साइज एंड द ग्रेन ईल्ड इफ मैग्नीशियम इज डिफिशियंट इन सॉइल देन बोथ द प्रोसेस आर अफेक्टेड फोटोसिंथिस एज वेल एज दिस ग्रेन साइज तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशेंसी हो रही तो प्लांट स्टंटेड रहेंगी लीव बहुत छोटी रहेंगी लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा क्लोरोसिस हो जाएगी uh, फूल भी छोटे आएंगे सीड भी कम बनेगा और ग्रीन ईल्ड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी दैट्स वाई वी शुड प्रॉपर मेनटेन दिस मैगनीशियम इन सॉइल एज वेल एज इन प्लान्ट इसलिए मैगनीशियम की सप्लाई को देखना बहुत जरूरी है जनरली भी इग्नोर दिस मैगनीशियम बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रियट फॉर दिस ग्रीन साइज सिमिलरली जो रूट्स की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन रूट की तरफ भी होता है इन फोटोसिंथेट्स का तो जो रूट क्रॉप है तो जब ये फोटोसिथिट्स कम आएंगे तो अगर हमारा रूट क्रॉप है लाइक पोटेटो तो पोटैटो अगर ये हमारा ये पोटैटो अगर है तो जो लीव व फोटोसेंथेट्स बने वो नीचे नहीं आएंगे तो रूट क्रॉप की ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाती है तो पोटैटो की ट्यूबर गिल्ड भी कम हो जाएगी आलू की पैदावार भी कम होगी फिर जो कोई भी जिसकी हमारी रूट हम जी ले रहे हैं जो नीचे अंडरग्राउंड हो रहा है वहाँ फोटो सिंथेट्स नहीं जा रहे हैं हालांकि पोटैटो रूट नहीं है पोटैटो तो इस टाइम है अगर हम बौटने के लिए देखें लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जमीन के नीचे जितनी चीज़ें हैं उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो लीव से ही नीचे जाते हैं तो ट्रांसलोकेशन बर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ होता है शूट की तरफ भी होता है ग्रेन की तरफ भी होता है रूट की तरफ भी होता है तो दोनों का ड्राई वेट कम हो जाएगा दोनों में फोटोसिंथ कम हो जाएंगे दैट्स वाई वी शुड गिव प्रॉपर इंपॉर्टेंस ऑन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम के लिए जो फर्टिलाइजर है जो हम यूज़ uh, करते हैं वो जनरली uh, जो है एप्सम साल्ट है एम जी एस फोर सेवन एच टू हेप्टाहाइड्रेट में आता है एम जी एस फोर मैगनीशियम सल्फेट सेवन एच टू ओ एंड इट कंटेन अबाउट नाइन पॉइंट फाइव परसेंट मैगनीशियम अबाउट एंड ट्वेल्व परसेंट सल्फर क्योंकि सल्फेट और सल्फर भी दे रहा है एंड सॉयल अप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो इट रिक्वायर ह्यूज क्वान्टिटी अबाउट ट्वेंटी फाइव के जी पर एकड़ अबाउट ट्वेंटी फाइव के जी एकड़ और फिफ्टी के जी पर हेक्टर से भी ज़्यादा हो जाता है सॉयल अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है आप समझ सकते हैं कि ये कितना पहुँच रहा है सिक्सटी सिक्सटी फाइव के जी पर हैक्टर एंड फोलियर अप्लीकेशन इज़ गुड क्योंकि तो जो सॉइल अप्लीकेशन है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं फिक्स हो जाते हैं लॉस हो जाता है सॉइल में तो जो फोलियर अप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं फोलियर अप्लीकेशन जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट अप टू वन परसेंट मतलब जीरो पॉइंट फाइव मीन्स फाइव ग्राम पर लीटर एंड वन परसेंट मीन्स टेन ग्राम पर लीटर तो इन जनरली वी यूज़ दिस फाइव ग्राम पर लीटर इसको करने चाहिए टू टू थ्री स्प्रे टू टू थ्री दो से तीन बार करने चाहिए दस से पंद्रह दिन के अंतर पर फिफ्टीन टू टेन डेज इंटरवल इफ दर इज़ अ डिफिशेंसी ऑफ मैग्नीशियम तो ये हमारा रेमेडी है तो जनरली सॉइल अप्लीकेशन नहीं करते हैं तो uh, फोल एप्लीकेशन कर देते हैं दो से तीन टाइम और फाइव ग्राम पर लीटर का मैक्सिमम जा सकते हैं वन परसेंट तक ऐसा नहीं है और इसी को हम एप्सम साल्ट भी बोलते हैं एप्सम साल्ट यही है दिस इज़ दी एप्सम Uh, salt. So don't ignore magnesium. Magnesium has very important role in deciding uh, grain yield by affecting the photosynthesis process as well as translocation of photosynthesis from leaves to uh, grain. So this is the fertilizer which is available in the market and can be uh, used to supply uh, magnesium. Thank you very much.